मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा ग्वालियर की महिला साहित्यकार गोष्ठी राष्ट्रीय स्तर पर लघु कथा विशेष के रूप में वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पद्मा शर्मा ने की। कार्यक्रम में मुख्य आतिथ्य राजधानी भोपाल से लघु कथा की सशक्त हस्ताक्षर कांता रॉय एवं विशिष्ट आतिथ्य रायपुर से वरिष्ठ साहित्यकार रुपेंद्र राज तिवारी रही। वर्चुअल गोष्ठी में देश भर की महिला साहित्यकार जुड़ी। डॉक्टर प्रतिभा द्विवेदी की सुमधुर सरस्वती वंदना के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें पूरे देश से अनेक महिला साहित्यकारों ने अपनी सहभागिता की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर पद्मा शर्मा ने लघु कथा के कथ्य व शिल्प पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लघु कथा के लिखने की प्रक्रिया एक भवन निर्माण की भांति होती है, जिसके लिए उचित प्लॉट व मजबूत सामग्री की आवश्यकता होती है। उचित भाव व कथ्य के प्रयोग से ही एक लघु कथा सफल कहलाती है। अपने उद्बोधन में उन्होंने प्रतीक व बिंब के प्रयोग पर मार्गदर्शन प्रदान किया। मुख्य अतिथि कांता रॉय ने समकालीन लघु कथाकारों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वर्तमान जीवन की समस्याएं केवल आज का लघु कथाकार ही उजागर कर सकता है। उन्होंने अपने वक्तव्य में लघु कथा के क्रमिक विकास एवं समस्या व समाधान पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने ग्वालियर में जल्द ही एक लघु कथा कार्यशाला आयोजित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में पढ़ी गई सभी लघु कथाओं का वह यथाशीघ्र संपादन करेंगी। पूरी एक कहानी, पूरी की पूरी एक दास्तान कह जाती है, पूरी की पूरी एक घटना कह जाती है, और हमारे दिमाग पर उसका ऐसा प्रभाव होता है, हमारे मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव होता है कि हमें बड़ी बड़ी कहानियां यद्यपि याद ना रहे, परंतु छोटी छोटी लघु कथाएं बहुत अच्छे से हमें स्मरण रहती है, हमें याद रहती है कि किस लघु कथा में क्या कहा गया था, क्या उद्देश्य थे, क्या कारण थे। तो लघु कथाएं 20-25 पंक्तियों की एक कहना चाहिए, जिसे कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो वो चीज है हमारे लिए लघु कथाएं। और आज हमारे बीच में जो विशेषज्ञ बैठे हैं वो इसके बारे में हमें निश्चित रूप से बहुत अच्छे से बताएंगे। आज हमारे बीच में जो वाचन करता है उनकी लघु कथाएं सुनने के पश्चात अपने बीच में राज रानी मैडम भी है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, वरिष्ठ साहित्यकार हमारे लिए, हमारे सबकी मार्गदर्शक जी, हम सबके बीच में हमारी आदरणीय मैम डॉक्टर राजरानी शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे और मिलता रहा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद और स्नेह बहुत मिला है। मैं मैम आपका स्वागत करती हूँ और आप सबकी अनुमति से मैं इस कार्यक्रम को अगले सोपान पर ले जाती हूँ, और आगे यदि आप कहें तो मैं वाचनकर्ताओं को आमंत्रित करती हूँ। जी बिल्कुल, दीदी को, राजरानी दीदी को प्रणाम करते हुए और आगे की जी। हमारे बीच में ग्वालियर शहर से प्रथम लघु कथा वाचनकर्ता के रूप में डॉक्टर वंदना कुशवाहा जी है, जो एक अच्छी कवित्री भी है, साथ ही एक अच्छी कथाकार है। यदि वे उपस्थित हो, क्योंकि स्क्रीन पर जितने लोग दिख रहे हैं उतनों के नाम मैं पढ़ पा रही हूँ, यदि वे उपस्थित हो तो वे आए और अपनी लघु कथा का वाचन करें। डॉक्टर वंदना कुशवाहा जी। हाँ, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार। हाँ नमस्कार करुणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी, और हमारी गरमा से परिपूर्ण जो आदरणीय वंदन है, और हमारे इस आभासी पटल पर बैठे हुए जितनी भी स्वनाम धन्य माननीय प्रबुद्ध बहने हैं, उनका भी मेरा वंदन अभिनंदन। मेरी जो लघु कथा है उसका नाम है, उसका शीर्षक है श्री। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ श्री। कहानी है, स्वर्ग में लक्ष्मी बाई को एक दिन दामोदर राव कुछ विचलित से दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, क्या सोच रहे हो दामोदर? कुछ नहीं। कुछ तो? कितना कठिन होता है नामा साहिब सब कुछ भूल जाना, बताना क्या चल रहा है मन में। लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव के चेहरे को पढ़ने का प्रयत्न किया। माँ साहेब, वह क्रांति और आपके पेट पर बंधा होना तो मुझे कुछ याद नहीं। आपके बाद हमें कहीं शरण नहीं मिली, महीनों जंगलों में छिपे रहे। जैसे तैसे किसी ने सहायता भी की तो पैसे खत्म होने पर। कार्यक्रम में देश के विभिन्न प्रांतों से साहित्यकार जुड़े, जिनमें उपेंद्र कस्तूरे, रामचरण चिराड़ रुचिर, डॉक्टर ज्योत्सना सिंह राजावत, तृप्ति श्रीवास्तव, पुष्पा शर्मा सहित अनेक साहित्यानुरागियों ने उपस्थिति दी। महिला साहित्यकार गोष्ठी कार्यक्रम अत्यंत लघु कथा विशेष सफल आयोजन रहा एवं श्रोताओं ने साहित्यकारों व उनकी रचनाओं की सराहना की।